हेलो गाइस, माय नेम इज सलमान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिस पिंक स्पेस। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगी सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन मिलेगा। आज मैं आई हूँ हिलबर्ट मार्केट फिर से क्योंकि मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी खुद के लिए। तो और मेरे जितने भी यूट्यूब वीडियोज़ हैं मेरे ऑडियंस ज़्यादातर हिलबर्ट वाला वीडियो देखना पसंद करती है। तो मुझे हिलबर्ट का वीडियो डालने के बाद ही मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप हिलबर्ट का वीडियो और बनाइए। तो उन लोगों के लिए आई हूँ आज फिर से हिलबर्ट मार्केट। अभी पूरा एक्सप्लोर करने वाली हूँ, समर कलेक्शन आपको दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपने इस टाइप के हेडबैंड्स बेबी गर्ल को देखा होगा लगाते हुए बहुत सारे फोटोशूट्स वगैरह में। 50 रुपीज़ के थे काफ़ी, और इसमें ढेर सारा कलेक्शन था इनके पास में। इस टाइप के जो वेंडर्स होते हैं ना गाइस हिल रोड में काफ़ी सारे होते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। और बहुत सारे आपको ये जो क्लिप्स आप देख रहे हो ऐसे बोले 100 रुपीज़ का था, पूरा पत्ता 100 रुपीज़ का था। काफ़ी अच्छा लगा, आप देख सकते हो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में इस टाइप का कलेक्शन आपको और भी मिल जाएगा। इस टाइप के वेंडर्स गाइस काफ़ी सारे घूमते रहते हैं यहाँ पे। और अभी यहाँ पे हिल रोड में पार्किंग का भी इशू सॉल्व हो गया है। मार्क एंड स्पेंसर के नीचे 30 रुपीज़ में पार्किंग भी होती है। अगर आप गाड़ी वगैरह से आ रहे हो तो आप इजीली आपकी गाड़ी पार्क कर सकते हो। अभी वो इशू थोड़ा सॉल्व हो गया है। इवन लिंकिंग रोड में भी, लिंकिंग रोड का भी मैंने वीडियो बनाया जो आपको पार्ट टू में देखने के लिए मिलेगा। और आप देख सकते हो समर के हिसाब से वन पीसेज आए कॉटन के, प्योर कॉटन है ये। और इनकी प्राइस ओनली 350 रुपीज़ की थी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कलेक्शन। आप देख सकते हैं कितने यूनिक कलर्स, कितने यूनिक कलेक्शन है ये। और आप देख सकते हो सब कितना ये अलग है एक दूसरे से। और इसकी काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी इनके पास में। फिक्स प्राइस में 350 रुपीज़ ही भेज रहे थे। गर्मी के हिसाब से तो गाइस एकदम बेस्ट, क्योंकि कॉटन का है, कॉटन बेस्ट रहता है गर्मी के हिसाब से। और इस टाइप का आपको कलेक्शन काफ़ी सारा मिल जाएगा हिल रोड में। एकदम समर के हिसाब से आया इस बार का कलेक्शन। और आप देख सकते हो वन पीसेस क्रॉप टॉप्स वगैरह 250 रुपीज़ के मिल रहे थे ये, सब फिक्स प्राइस में। और ये जो ग्रेफिटी प्रिंट के हैं ये 250 रुपीज़ की शर्ट थी। और ये वाले आप क्रॉप टॉप्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, ओनली 200 रुपीज़ में थे। इस बार जो 200 रुपीज़ वाली सेल थी ना गाइस काफ़ी सारी लगी हुई थी हिल रोड में। फिक्स प्राइस में 200 में आपको ये सारा कलेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी आप देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट्स के साथ में। और कॉलर वाले आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, तो कॉलर वाला भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टी शर्ट्स वगैरह वो भी 200 रुपीज़ में थे। 200 वाला कलेक्शन गाइस काफ़ी सारा था। और इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आप देख सकते हैं। और इस टाइप के वेंडर्स आपको स्ट्रीट पे बहुत सारे मिलते रहेंगे। मुझे काफ़ी लोग कमेंट में पूछते हैं भी कि हम लोग हिल रोड कभी विजिट कर रहे थे, तो मैं आपको ये बोलूँगी 2 बजे के बाद ही विजिट करो, क्योंकि जो स्ट्रीट वाले जो वेंडर्स होते हैं ना गाइस जो स्ट्रीट पर लेके खड़े रहते हैं ये लेट ही आते हैं। तो आपको अगर आप ये वाला मिस कर दोगे ना तो आप हिल रोड आना वेस्ट है। ये जो भी आप देख रहे हो सब 200 रुपीज़ की सेल लगी हुई थी, जो भी आप क्रॉप टॉप्स वगैरह जो भी देख रहे हो। तो गाइस मैं आपको यही बोल रही थी कि 2 बजे के बाद आइए। अब यहाँ पे BMC का भी काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है। जब मेरा पूरा मार्केट एक्सप्लोर करके हो गया था तब BMC की गाड़ी आई, उसके बाद सब यहाँ वहाँ लेके भागने लगे। और इस टाइप के आपको जंप सूट्स भी मिल जाएंगे 250 रुपीज़ में, काफ़ी सारे कलर्स भी मिल जाएंगे इस टाइप के आपको। आप देख सकते हैं वाले आपको कुर्ती भी आप बना सकते हो, इसको एज अ वन पीस ही पहन सकते हो। ये भी 250 रुपीज़ का था। और ये आप जो देख रहे हो क्रॉप टॉप से पूरी सेल लगी हुई थी 200 रुपीज़ की। काफ़ी एनिमल प्रिंट्स के भी थे यहाँ पे, ऑफ शोल्डर थे। आपको जैसे फुल स्लीव्स लेना है वो भी मिल जाएगा, आप देख सकते हो। ये भी 250 रुपीज़ का था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, पैडेड था ये पूरा। इस टाइप के आप शोरूम वगैरह में जाओगे तो आप खुद जानते हो कि 800-700 रुपीज़ में मिलेंगे। और इवन इंस्टाग्राम स्टोर्स पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, आपने खुद ये चीज़ नोटिस की होगी। और हर टॉप में आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ही मिल जाएंगे देखने के लिए। देखिए ये वाली जो शर्ट है गाइस 250 रुपीज़ की थी। इसमें काफ़ी सारे प्रिंट्स थे, ये बलून स्लीव्स थी, काफ़ी यूनिक लगा। और इस टाइप के आपको नाइट वेयर भी मिल जाएंगे, 300 रुपीज़ के थे। और आपको काफ़ी सारा इसमें अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। और इस टाइप की आपको जीन्स मिल रही थी यहाँ पे 200 रुपीज़ में। बहुत सारे कलर्स थे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स थे गाइस, आप देख सकते हैं। 200 रुपीज़ की सेल लगी हुई थी। ये स्ट्रीट के जो वेंडर्स होते हैं ना गाइस काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में चीज़ें सेल करते हैं, तो यही मेन मार्केट है। और इस टाइप के नाइट ड्रेसेस मिल रहे थे 500 रुपीज़ फिक्स प्राइस में लगा रखे थे। और गुची वगैरह का जो होता है ना गाइस प्रिंट वगैरह, उसके भी नाइट सूट्स मिल रहे थे 500 रुपीज़ में। जो भी आप कलेक्शन देख रहे हो सब 500 रुपीज़ का था। इस बार का जो नाइट सूट का कलेक्शन है इंड में काफ़ी अच्छा था। और इस टाइप के आपको क्रॉप टॉप्स भी मिल जाएंगे देखने के लिए 250 रुपीज़ में, और सब में आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ही मिलेंगे। और आपको पैंट्स मिल जाएगी, फॉर्मल पैंट वगैरह भी मिल जाएगी, 100 रुपीज़ की सेल लगी हुई थी गाइस। और इस टाइप के आपको बैग्स वगैरह भी मिल जाएंगे, स्लिंग बैग्स, ओनली 200 रुपीज़ की सेल लगी हुई, 200 एंड 250 रुपीज़ की सेल थी यहाँ पे। और इस टाइप का आप जो बैग देख रहे हो 400 रुपीज़ का था बॉक्स वाला, काफ़ी यूनिक लगा मुझे इस टाइप का, मैंने कहीं और देखा भी नहीं, पर्टिकुलर ये शॉप पर देखा था।
काफ़ी अच्छा कलेक्शन था स्लिंग बैकर, और मिलवर्ड में आपको स्लिंग बैकर कलेक्शन काफ़ी अच्छा अच्छा मिल जाएगा। गाइज मेरे वीडियो के साथ बने रहेगा, मैं इसका पार्ट टू भी लेकर आऊँगी, हिल रोड का पार्ट टू भी लेकर आऊँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बन जाता है, इसलिए मैंने इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। ये जो भी आप क्रॉप टॉप देख रहे हो, टी शर्ट्स देख रहे हो, ओनली 150 रुपीज़ की थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल लगी, क्योंकि कहीं पर ही 150 रुपीज़ में इस टाइप के क्रॉप टॉप्स या आप उसको टॉप बोल लो वो नहीं मिल रहे थे, ये पर्टिकुलर ये शॉप पे 150 रुपीज़ में मिल रहा था। काफ़ी अच्छा लगा मुझे इनके यहाँ का कलेक्शन, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी थे। गाइज़ ये हिल रोड की ये स्पेशलिटी है, जो स्ट्रीट वाले जो होते हैं ना गाइज़, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में चीज़ें बेच रहे थे। ये सब आप इंस्टाग्राम वगैरह पर जाओगे लेने के लिए, आप खुद जानते हो कि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, और इस टाइप के आपको टॉप्स मिल जाएंगे। आपने गोवा वगैरह पे काफ़ी सारे रील्स देखी होगी, लड़की लोग पहनती हैं इस टाइप की, गर्ल्स पहनती हैं, ओनली 250 रुपीज़ का रहा है। सबको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी मिल जाएंगे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वाला। और ये जो आप देख रहे हैं सब क्रॉप टॉप्स आपको मिल जाएंगे ओनली 200 रुपीज़ में, फिक्स प्राइस में इसका लगा के रखा था, बिल्कुल बार्गेन नहीं करते, 250 रुपीज़ बोल दिया तो इवन 180-190 भी नहीं करते। तो ये पूरा कलेक्शन लगा हुआ था 200 वाला, कहीं कहीं आपको 150 वाला कलेक्शन मिल जाएगा क्रॉप टॉप में, आप सिर्फ एक्सप्लोर कीजिए, और कोई पर्टिकुलर जगह में आपको नहीं बता सकती क्योंकि कैसा रहता है ना गाइस, DMC के अगर इशू हो जाता है तो लोग यहाँ वहाँ लेके भाग जाते हैं, फिर कहीं और खड़े होते हैं लोग। और इस टाइप के आपको जैकेट्स वगैरह भी मिल जाएंगे हिल रोड में, काफ़ी सारा अच्छा स्टफ मिलता है एकदम। अगर आप फंकी पहनना चाहो तो फंकी, ऑफिस वेयर टाइप पहनना चाहो तो ऑफिस वेयर टाइप भी आपको मिलेगा, अगर आपको नॉर्मल वेयर पहनना है तो नॉर्मल भी मिलेगा, पार्टी वेयर टाइप अगर आप लेना चाहते हो तो पार्टी वेयर टाइप भी आपको मिल जाएगा। इस टाइप के आपको ब्रेसलेट्स मिल जाएंगे ओनली 50 रुपीज़ में, और ऑक्सीडाइज वाले भी थे इनके पास में, आप देख सकते हो ऑक्सीडाइज ब्रेसलेट्स थे, ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज वगैरह आप देख ही सकते हो, काफ़ी अच्छा कलेक्शन था 100 रुपीज़ का इनके पास में। ये देखिए आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, काफ़ी अच्छी अच्छी यूनिक कलेक्शन था इनके का कलेक्शन, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ब्रेसलेट्स की तो काफ़ी ज़्यादा भरमार थी आप देख सकते हो, और इस टाइप की सेल लगी हुई थी ओनली 250 रुपीज़ में, इसमें आपको वन पीसेस भी देखने के लिए मिल जाएंगे। इस बार बहुत ज़्यादा अच्छी सेल लगी हुई थी, काफ़ी अच्छा लगा मुझे समर का कलेक्शन हिल रोड का। और ये जो भी आप सैंडल्स देख रहे हो ओनली 250 रुपीज़ की थी, और इस टाइप के आपको बूट्स मिल जाएंगे ओनली 500 रुपीज़ में, थोड़ी बहुत बार्गेनिंग हो जाएगी तो आप मेक श्योर कीजिएगा, आप बार्गेनिंग बहुत कीजिएगा यहाँ आ रहे हो तो। और इस टाइप की ईयरिंग्स आपको मिल जाएंगी ओनली 100 रुपीज़ में, इस टाइप के सरोजनी नगर में आपने देखी होगी गाइस, बहुत फेमस है सरोजनी नगर में, लेकिन अब वो हिल रोड में भी मिलने लगी इस टाइप की ईयरिंग्स। ये सब ब्रेसलेट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे 150 रुपीज़ में, ब्रेसलेट्स का भी कलेक्शन और एंकलेट्स वगैरह भी कलेक्शन गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हिल रोड के अंदर, आप मेक श्योर कीजिए। अगर आपको ऐसे फंकी स्टॉप्स पहनना पसंद है तो आप हिल रोड में आपको एक से एक फंकी स्टॉप्स मिल जाएंगे, और भाई आप देख सकते हैं 150 रुपीज़ की सेल लगी हुई है यहाँ पर भी। इस टाइप की टी शर्ट्स मिल जाएंगे आप प्रिंटेड, काफ़ी लोगों को पसंद होता है इस टाइप का प्रिंटेड स्टफ़ पहनना, तो इस टाइप का भी गाइस बहुत ज़्यादा कलेक्शन था, और एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकती, इसे मैंने पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है वीडियो को। और इस टाइप की टी शर्ट्स वगैरह आप देख ही सकते हो, और कुर्तीज़ वगैरह भी गाइस काफ़ी ज़्यादा ऑसम मिल रही है, आप देख सकते हो इसका घेर देखिए आप, ये कुछ 1200 बोल रहे थे इसका, लेकिन प्राइस कम हो जाएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनके का कलेक्शन। और आपको ये पूरा सेट मिल जाएगा विद दुपट्टे के साथ में, पजामे के साथ में, कुर्ता पजामा एंड दुपट्टा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑप्शन भी मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलेक्शन लगा मुझे। अगर आप ऑफिस वेयर टाइप अगर आप कुछ देखना चाहते हो ज़रूर विजिट कीजिएगा हिल रोड, इस टाइप के आपको मिल जाएंगे। ये 850 इन्होंने प्राइस बोले थे इस टाइप की कुर्ते की, इसमें बहुत सारे कलर्स थे, ब्लू कलर था, ग्रीन कलर था, और ये वाला था 850 रुपीज़ इन्होंने बोली थी फिक्स प्राइस में लगा के रखा था, लेकिन आपका इस टाइप की आपको और दुकानें मिल जाएंगी आगे, इनके पास भी सेम स्टफ़ था लेकिन ये 750 रुपीज़ में सेल कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं इन्होंने पूरा कलेक्शन लगा के रखा था 750 में, कितना ज़्यादा अच्छा कलेक्शन है। कफ्तान्स आपको मिल जाएंगे, चिकनकारी वर्क के मिल जाएंगे, जो भी आप देख रहे हो सब 850 रुपीज़ के हैं। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, अगर आपके घर पर कोई फंक्शन है उसके लिए आप ले सकते हो येलो कलर, आपके यहाँ हल्दी का कुछ फंक्शन है उसके लिए आप ले सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा। चिकनकारी वर्क की कुर्तीज़ ही मिल रही थी ओनली 750 रुपीज़ में, तो आपको सिर्फ ढूंढना है गाइस, जो कि प्राइस आपको हर दुकान पर डिफरेंट मिलेगी देखने के लिए। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले पूरा मार्केट एक्सप्लोर कर लीजिए, उसके बाद डिसाइड करिए कहाँ से लेना कहाँ से नहीं, क्योंकि कैसा होता है ना गाइस, कभी आप ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टफ़ खरीद लेते हो तो वही सेम स्टफ़ आपको आगे वाले दुकान में सस्ते में मिल रहा होता है, तो आपको फिर रिग्रेट होता है कि नहीं लेना चाहिए था, तो बेटर है कि आप रुक जाइए थोड़ा टाइम। अगर आपको कुछ भी क्वेरी रहेगी हिल रोड से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ये सब वन पीसेस वगैरह मिल रहे थे 350 रुपीज़ में, मिल रहे थे फिक्स प्राइस में। इस टाइप का कलेक्शन गाइस आपको काफ़ी सारा मिल जाएगा हिल रोड में। अब मैं आपको मिलूंगी पार्ट टू वीडियो के साथ, मेरे वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहेगा, ऐसे प्यार देते रहेगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।